तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों फ़ोन को रीसेट करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको पता है कि जब आपका फ़ोन नया होता है, आप नया फ़ोन लेकर आते हैं, तो आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथली चलता है, फास्ट चलता है। कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं फ़ौरन से जो है वो एप्लीकेशन जो है ओपन हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना हो जाता है तो दोस्तों आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। अब इससे दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले तो जो है बैकअप लेना पड़ेगा। अब इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर आपके फ़ोन के जो फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें हैं तो वो आपकी डिलीट नहीं होंगी। तो आपको सबसे पहले किसी दूसरे फ़ोन में आपके जितने फ़ोटो वगैरह हैं उनका बैकअप ज़रूर लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले काफ़ी आसान है दोस्तों, आपको क्या करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। छोटी सी वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग यहाँ पर इस बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट बॉक्स में आपको नाइस वीडियो, ऑसम, वेरी गुड, वेरी नाइस लिख के सेंड कर देना है। उसके बाद आपको बैक आना और उस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। आप जैसे इतना कुछ कर लेते हैं उस चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने फोन में सबसे पहले फोन को रीसेट करने के लिए आप को अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। अब दोस्तों फ़ोन को रीसेट करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपका फ़ोन बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, फ़ोन हैंग नहीं करता, लैग नहीं करता। अगर आपका फ़ोन गर्म होता है उससे आपको छुटकारा मिल जाता है, साथ ही आपका फ़ोन बिल्कुल फास्ट जैसे नया फ़ोन होता वैसे हो जाएगा। तो अब आप जो सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे नीचे आना, नीचे यहाँ पर आपको सिस्टम की सेटिंग मिलेगी, तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको रीसेट फ़ोन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग मिलेगी इरेज ऑल डाटा, ये फिर दोस्तों आपके फोन में सेटिंग होगी रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग या रीसेट फैक्ट्री के नाम से, तो इस पर आपको टैप करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके फोन में जितना भी डाटा है वो सब कुछ दोस्तों आपका डिलीट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको यहां पर इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपका फोन जो है स्विच ऑफ होकर फिर से स्विच ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको अपना पैटर्न डालना है, और जैसे ही आप पैटर्न डालेंगे तो आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाएगा। चलिए मैं यहां पर अपना पैटर्न डाल लेता हूं। तो अब दोस्तों हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो चुका है, और अब कुछ नहीं, सिंपली हमको क्या करना है कि हमको फ़ोन ऑन करना है और हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल नया हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो अपने फ़ोटो वीडियोज़ का बैकअप कहीं पर बनाया हुआ था वो आपको डाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप रीसेट करते हैं तो आपके सारे अकाउंट वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाते हैं, इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा इससे होता है दोस्तों कि आपका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाता है और बिल्कुल नए जैसा स्मूथली चलने लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बड़ी आसानी से अपने फ़ोन को ईजिली जो है रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सवाल है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।